नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। क्या बताइए। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर, मुझे एक जानकारी लेनी थी आपसे। बोलिए। सर, ये शिक्षा मित्र का जो एक बता रहे थे कि उसमें मानदेय बढ़ाया था उसमें बजट में, लेकिन वो कल तो बढ़ाया नहीं। आंगनबाड़ी का उनका बढ़ाया सर, कब बढ़ाया था मानदेय? बजट सत्र में सर घोषणा की थी कि शिक्षा मित्रों का भी सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा। कोई कट पेपर कटिंग टीवी न्यूज का कोई पिक वगैरह है कुछ आपके पास? नहीं कब नहीं कहा सर, गया? वो बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी बोले थे आंगनबाड़ी और तुम्हारे इन लोगों का बढ़ाया जाएगा, शिक्षा मित्र का भी सम्मानजनक मानदेय बढ़ाया जाएगा। बस ये बात था। शिक्षा मित्र के लिए कोई लेटर नहीं जारी हुआ था, ना कोई घोषणा हुआ था, बाकी सबका हुआ था। जिसका जिसका घोषणा हुआ था उसका बढ़ रहा है। शिक्षा मित्र का तो मानदेय बढ़ना ही नहीं है। हम तो कई बार इस पर बता चुके हैं कि शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। अब सर 10,000 मिलते हैं, कुछ आस है थोड़ा बहुत बढ़े तो इसीलिए आस गई, थोड़ा चल रहे हैं और क्या कराए। तो हम तो हर बार एक ही चीज बताते हैं भाई, आप जो चीज सोच रहे हैं वो सिर्फ आप जी सोच सर, रहे हैं ना, करना तो किसी और को है, जी सर, वो आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या सकते हैं। जिसको ये काम किसी और को करना है, हम उससे जबरदस्ती तो करा नहीं सकते। गवर्नमेंट का मन करेगा 10,000 देगी, गवर्नमेंट का मन करेगा 1,000 देगी, गवर्नमेंट का मन करेगा 50,000 देगी, गवर्नमेंट का कल को मन करेगा निकाल देगी। वो तो उनका सिस्टम है, सही 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 बात है सर, तो उस पर तो हर आपका कहीं जोर सही चल बात। तो उस पर तो आपका जोर चलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिया है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, इस पर तो आपका पूरा जोर है ना। तो 10,000 पा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे जितने भी शिक्षा मित्र हैं। इसके अलावा कहीं कोचिंग पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना या कोई अन्य काम करना, ये सब तो आप फ्री हैं, इसके लिए तो किसी ने रोका हाँ हाँ नहीं सर, ये तो है, स्कूल के बाद तो सर कुछ कर है। सकते हैं। आपके आसपास जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे, उसमें जितने भी टीचर पढ़ाते होंगे, उनसे पूछिएगा, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 इतना ही पाते हैं। हाँ लेकिन वो किससे मांगने जाएं? तो क्या करते हैं, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या कोई अन्य काम कर हाँ रहे हैं, तो आखिर वो हाँ भी वो कर रहे हैं ना। तो है। तो यही चीज़ तो शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को या अन्य जो भी, उनको भी सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से हम बार बार धरना करें, मांग करें, सालों साल इंतजार करें, ये अकलमंदी है? या अकलमंदी ये है कि हम जो कर सकते हैं वो करें। बाकी आप लोग के जो नेता वेता बड़े बड़े बने हुए हैं, वो अपनी नेताओं नेतागिरी चमकाने के लिए आप लोग से कहते रहते हैं ऐसा ने करा तो देंगे सर, वैसा करा देंगे, उनकी बातों को छोड़ दीजिए। आपका अपना घर परिवार है, उसको चलाना है, आपको अपना सब कुछ देखना है, तो आपको ही सोचना पड़ेगा। सरकार के सहारे बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला। उनको जो करना होगा, जब करना होगा, जैसे करना होगा वो करेंगे। नहीं तो सर नई शिक्षा नीति में बता रहे हैं वो प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को डांट कराएंगे, कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ पैसा वैसा नई पड़ेगा शिक्षा सर। नीति के अनुसार सब कुछ क्रमशः बदल रहा है और बदलने जा रहा है। प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति होगी, संविदा सारे खत्म होंगे, बस इसी सत्र में, इसी वर्ष तक शिक्षा मित्र रहेंगे, वो भी इस सत्र में। कब ये योजना बंद कर दी जाएगी? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब भी बंद कर दी जाएगी, तो फिर शिक्षा मित्र को वापस घर पर बैठना पड़ेगा। और फिर जब गवर्नमेंट आगे जो जो चीजें करेगी, उसमें जहाँ शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा, तो वहां पर वो फिर उसका फायदा उठाएंगे। तो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे वित्तविहीन हो, चाहे कोई, हम सबको कहते हैं भाई, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उनका अपना सिस्टम है, उसमें आप अगर कहीं आ रहे हैं तो ठीक है, आपको लाभ होगा, नहीं आ रहे होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो भी हो रहा है वो देखते रहिए, जानते रहिए। अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट हुआ, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी यूपी की अगर बात की जाए तो 1,87,000 है ना। और हाँ इनमें नए जो क्लास स्टार्ट किए जा रहे हैं वो प्ले, LKG, UKG, ठीक है, और जो पुराना 1-2 है वो प्राइमरी से प्री प्राइमरी में आ चुका है। तो अब यहाँ पर भी शिक्षक रखे जाएंगे, तो बार बार न्यूज आई है
30% आंगनबाड़ी लिए जाएंगे, 70% जो है एनटीटी और अन्य जो योग्यता निर्धारित किए गए हैं। तो 30% तो आंगनबाड़ी ही रहेंगे, 70% में डीएलएड वाले लिए जाएंगे, और वो डीएलएड वाले जो एनआईए से किए होंगे या फिर दूरस्थ शिक्षा से किए होंगे, तो आप लोग भी दूरस्थ से ही किए हैं। हाँ दूरस्थ हाँ, तो जब यहाँ पर दूरस्थ वालों को लिया जाएगा, एनआईएस वालों को लिया जाएगा, जो 70% पद हैं उसमें एनटीटी वाले भी लिए जाएंगे, तो उस वक्त आप लोग को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो जब ये होगा तब होगा ना, अभी तो टाइम है और मानदेय बढ़ना नहीं है और शिक्षा मित्र को अस्थायी करना नहीं है, अनुदेशक को अस्थायी करना नहीं है, चाहे वित्तविहीनों को अस्थायी करना नहीं है, कोई भी संविदा कर्मी डायरेक्ट अस्थायी नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये ऑर्डर एक्ट कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जो संविदा वो पढ़ा रहे थे टीचर, वो अपना उनका संगठन गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, करीब 15 साल पुराना जजमेंट है और कई साल केस चलने के बाद आया था जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी संविदा कर्मी या संविदा शिक्षक किसी भी विभाग का डायरेक्ट स्थायी नहीं किया जाएगा। उसके पीछे उन्होंने पूरा डिटेल व्याख्या किया है क्यों नहीं किया जाएगा। अब आप बताइए, आप शिक्षा मित्र हैं, आप सिस्टम में हैं, ठीक, जी सर, जी मान लीजिए कि कहीं पर पद निकलते हैं 50, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि हमारा हो जाए, और हाँ बाहर कोई व्यक्ति है वो भी, चाहे वो डीएलएड बीएड बीटीसी जो भी पढ़ाई करके, उसके लिए वो भी योग्यता रखता है और वो भी इंतजार कर रहा है कि भर्ती आएगी तो हमें भी मौका मिलेगा। अब मान लीजिए हाँ उस सही बात 50 पद पर शिक्षा मित्र को या अनुदेशक को या वित्तहीन को जिसको भी गवर्नमेंट दे दी, तो जो बाहर बैठा व्यक्ति सालों से इंतजार कर रहा है, जिसने पढ़ाई किया है, उसको मौका मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ नहीं सर तो मौका तो कम से कम सबको मिलना जरूरी है ना। सुप्रीम कोर्ट का यही है ऑर्डर, जब आप पढ़ेंगे उसमें ये स्पष्ट है कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो आप विज्ञापन जारी कीजिए, उसमें जो बाहर बैठा है वो भी फॉर्म भरेगा, जो आपके सिस्टम में लगा है चाहे जिस रूप में संविदा वगैरह, वो भी फॉर्म भरेगा। जो अरे तो आपके सर यहाँ, ये ठीक ठीक पूरी ठीक बात सुन होगी लीजिए, सर। पूरी बात सुन हाँ लीजिए, जो अंदर है सिस्टम में उसको आप अतिरिक्त तो कुछ लाभ देना चाहें वेटेज के रूप में, वो दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा कि बाहर जो बैठा उसे भी मौका मिला, अंदर वाले को भी, उसके बाद मेरिट बनेगी या एग्जाम होगा या जो कुछ भी होगा, उसमें दोनों को मौका मिलेगा, जो बाजी मार जाएगा वो ले लेगा। बस इतना ही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में, और ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। तो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे वित्तहीन हों, जितने भी हैं, उनको सिर्फ जो भी भर्तियां होंगी कुछ वेटेज का लाभ दिया जाएगा। बाकी भर्ती आएगी तो उसमें आप भी फॉर्म भरेंगे, एनआईएस वाला भी भरेगा, एनटीटी वाला भी भरेगा, सब भरेंगे। एनटीटी वाले न जाने कितने साल, 10 साल 15 साल से बैठे हुए हैं, उनको कभी लिया ही नहीं गया। एनआईएस डीएलएड अभी हुआ है, हाल ही में कुछ साल हुए हैं, वो भी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। हाँ सर मौका तो बिल्कुल नहीं, तो बार बार मेरी समझ हम में ये कन्फ्यूजन हो रहा है सर। जैसे अब प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को जैसे स्थाई की बात आ रही है, आपके द्वारा भी आती है, तो फिर इसमें कुछ वेटेज रखा जाएगा, शिक्षा मित्र इतने लिए जाएंगे कि सभी दे लिए जाएंगे, ये समझ में थोड़ा दिक्कत है। बस समझने का जो है फर्क है, नहीं तो एकदम स्पष्ट है। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहर वाला हो या सिस्टम में किसी भी रूप में काम करने वाला, डायरेक्ट किसी को भी कोई विशेष लाभ नहीं देगी गवर्नमेंट। संविदा कर्मी जितने भी हैं क्रमशः धीरे धीरे सबको हटाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अस्थायी नियुक्ति देनी है, उन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी है। तो अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन में आप भी आवेदन करेंगे, और जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है, चाहे एनएस डीएलएड वाले हों, चाहे एनटीटी वाले हों, या जो भी, वो भी आवेदन करेंगे, आप भी करेंगे। अब जितने पद होंगे, फिर गवर्नमेंट जब विज्ञापन जारी करेगी उसमें डिटेल दिया रहेगा कि क्या मानक होंगे, किन मानकों पर रखा जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे शिक्षा में सुधार हो रहा है, लगातार स्कूलों में सुधार हो रहा है, और टीईटी सुपर टेट तरह तरह के एग्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि अच्छे टीचर आए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड बीटीसी डीएलएड या अन्य कोई भी हो, किसी भी मानक पर अगर वो खरा नहीं उतरता है और वो सोचे कि हमें मिल जाए नौकरी, तो अब ये नहीं होने वाला है। इसलिए हम बार बार सबसे कहते रहते हैं कि भाई
आप चाहे जो भी हैं, छूट मिल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा, उम्र से छूट मिल जाएगा, जो भी, लेकिन कुछ मानक रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। कुछ नहीं, अगर रहिए। हाँ जैसे शिक्षा मित्र हैं, कुछ नहीं तो हमें लगता है कि 80-90% शिक्षा मित्र कंप्यूटर पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हल्का फुल्का भले जानते हों, ज़्यादा हाँ कुछ नहीं बिल्कुल जानते, सही तो हम लगातार बात। बता रहे हैं भैया कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आसपास कंप्यूटर सेंटर होगा, 1 घंटा रोज वहाँ जाओ। वो कितना लेगा, एक बार 4,000-5,000 रुपये फीस लेगा, 6 महीने का, 4 महीने का, जो भी उसका कोर्स होगा, आप कोर्स करो, कंप्यूटर सीख लो। जैसे इतना सब खर्चा होता है, वैसे 15-20 हज़ार 25 हज़ार लगा करके एक कंप्यूटर या लैपटॉप घर पे रख करके उस पर काम करना शुरू कर दो, तो क्या है कि हमें वो काम आता रहेगा। दूसरा, इंग्लिश में दिक्कत होती है तो इंग्लिश में सुधार कर लें, और जिन विषयों में दिक्कत है उन विषयों पर कमांड करें। तो अपने आप को जब अपडेट करते रहेंगे, टेट नहीं पास है तो टेट पास करने की कोशिश करें, तो जब आप अपडेट रहेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो जो भी नया कुछ होगा तो उसमें आप भी फाइट कर पाएंगे, आपको भी बराबर मौका मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट को सर जो मैंने तो करना है, टेट भी कर लिया, सी टेट भी कर लिया है। हाँ तो टेट भी कर लिए हैं, सी टेट भी कर लिए हैं, तो अच्छी बात है। हम लगातार हर चीज डिटेल में चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि प्री प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होगी, और प्री प्राइमरी में जो लिए जाएंगे वो आंगनबाड़ी हैं, एनटीटी हैं, एनटीटी जो करके बैठे हुए हैं, और एनएस से जो डीएलएड किए हुए हैं, और आप शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत सारे हैं। आज जैसा आपने टेट सी टेट कर लिया, लेकिन आज भी कम से कम 1 लाख के आसपास शिक्षा मित्र रहते हैं जो कि टेट या सी टेट नहीं पास कर पाए हैं। नहीं पास कर। तो इन्हीं के लिए स्पेशली जगह बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर दिया, और आप लोग पढ़ाते भी 1-2 को है, स्पेशली 1-2 के लिए ही रखे गए थे, है ना? हाँ तो जी इसीलिए कक्षा 1-2 को प्री प्राइमरी में किया गया, ताकि जब प्री प्राइमरी की भर्ती हो तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों को फिर से 1-2 के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपना काम तो कर रही है, लेकिन सारे शिक्षा मित्र सिर्फ बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, कहा जा रहा है भैया कंप्यूटर क्लास करो, ये पढ़ाई करो, तो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो सर होना इसका है वो मतलब यह तो। है कि शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी की जब भी भर्ती होगी तो सारे शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिल पाएगा, इस लाभ सबको तरह से ये मिलेगा, भर्ती में लाभ लेकिन मिला है। हाँ देखिए मौका तो सबको मिलेगा, आवेदन करने से सिलेक्शन किसी को रोका नहीं जाएगा, मौका सिलेक्शन सबको हो मिलेगा। पाए। मान लीजिए कि कोई मानक लगा देते हैं, जैसे नई हाँ शिक्षा नीति में लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो के बिना कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी, तो मान हाँ लीजिए कि वहां पर इंटरव्यू डेमो लगा दिया गया, ठीक है? तो जब क्लास में पढ़ाया पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, डेमो कराया जाएगा, तो पीछे कुछ लोग बैठे होंगे जो कि आपको ऑब्जर्व करेंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो अगर जो है कोई ऐसा शिक्षा मित्र हुआ जो कि पढ़ाने में या बोर्ड पर लिखने में या बोलने में उसे होता है ना, कोई बैठा रहता है तो डर हाँ लगता है, थोड़ा सा हेस्टेशन होती है, नर्वस हो जाते हैं, तो अगर वो कंडीशन आ गई और कर नहीं पाए, तो भाई उनके सामने आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे जानेंगे कि आपको आता है? वो तो यही जानेंगे कि आज तक आप सिर्फ ऐसे ही पैसा लेते रहे, आपको आता जाता, कुछ नहीं, आप पढ़ा कुछ नहीं रहते। जिस दिन टेस्ट होगा बिल्कुल उस दिन तो टेस्ट में पास होना पड़ेगा ना, और अगर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कुछ लोग बैठे होंगे और 4 से 6 लोग हो सकते हैं, 8 से 10 लोग भी हो सकते हैं, वहाँ पर एक से एक विशेषज्ञ होंगे, कोई हिंदी का होगा, कोई गणित का होगा, कोई जो है अन्य किसी विषय का होगा। अब वो सवाल पूछेंगे, बहुत हाई सवाल नहीं होगा लेकिन नॉर्मल सवाल भी बहुत सारे हैं पूछेंगे, और उसमें आपने जो है आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो वो तो यही जानेंगे ना कि नहीं आपको नहीं आता है। तो अगर इंटरव्यू डेमो होता है और आप उस लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे वो रखेंगे आपको? तो कम से कम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा ना कि नहीं है, इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो हम तैयार रहें, पहले से प्रैक्टिस किए रहें, हो गया तो दे करके पास कर लेंगे, नहीं हुआ डायरेक्ट हो गया तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हुआ तब और तैयारी नहीं किए रहेंगे जो लोग, उनका क्या होगा फिर? वो तो तैयारी तो अभी करना होगा ना, एग्जाम का डेट आ जाने पर अगर कोई बच्चा सही तैयारी करता है उसी दिन तो वो कितना पढ़ पाएगा, और जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, तो आप खुद ही पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, जानते हैं कि जो पहले से तैयारी करता है वही सफल हो पाता है।
और आप स्टेट बात से है स्टेट कि एक दिन पास। में तैयारी नहीं होती। तो इसीलिए तो हम बार बार पोस्ट लिखते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं भैया ये चीज करो, ताकि आप अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहो। कंपटीशन आप देख ही रहे हैं कितना टफ हो गया है आज के टाइम में। नए जी नए वो तो है। जो नए नए लोग आ गए, नए नए लड़के आ गए हैं, उनसे कंपटीशन करना आसान नहीं है। तो हाँ सब वो भी एजुकेशन सिस्टम में बने रहने के लिए, और कोई सिस्टम होगा और कोई डिपार्टमेंट होता तो चलिए भाई काम चल रहा है। यहाँ तो आप ही को जब शिक्षा नहीं, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, आपको तो देना है बच्चों को, तो कैसे फिर आपको वहाँ रखा जाए। तो मानक कड़े किए जा रहे हैं, और टेट सी टेट जो पास है उनके लिए भी हमने बार बार बताया है कि प्राइमरी में ही होना है, और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आ जाएगा कि इंटरव्यू डेमो अगर होता है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। लोग अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं इस चीज को लेकर के, जबकि हम बार बार नई शिक्षा नीति का जो पीडीएफ फाइल है व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करते रहते हैं, भैया पढ़ लीजिए आप लोग अपनी आंखों से। उसका एक पेज भी हमने स्पेशली अलग से जो है शेयर कर दिया कि देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, इंटरव्यू डेमो इसमें अनिवार्य। हाँ उसमें तो लिखा तो हुआ है। तो जब लिखा है तो आज नहीं तो कल वो तो लागू तो होना ही होना है ना भाई। हाँ वो तो है। जब कोई घर बनाना होता है, बनाने से पहले एक नक्शा तैयार होता है, जब नक्शा तैयार कर लेते हैं उसी नक्शे के आधार पर ही तो मिस्त्री काम करके घर बनाता है। तो जब नक्शा बन के, तो नई शिक्षा नीति, एनसीएफ, ये सब क्या है? एक फ्रेम है, एक नक्शा है, ब्लूप्रिंट है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या चीजें तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, किस तरह के बदलाव करेगी। तो इसको पढ़ेंगे तो सिस्टम समझ में आएगा कि सिस्टम में अब क्या क्या होने वाला है। और आप लगातार देख रहे होंगे कि जब से योगी सरकार आई है तो कायाकल्प योजना के तहत हर स्कूल सर में। बहुत सरकार अभी जो अभी तुरंत अब बनी है ना, अब तो बहुत ही कड़ाई स्कूलों में शुरू हो गई है। हर दिन की हाजिरी, वीडियो साफ देना, ऑनलाइन दर्ज करना, उसकी क्रॉस चेकिंग कराना, अब तो बहुत कठिन काम है। अब तो मतलब ये है कि नौकरी नौकरी की तरह ही नौकरी करनी पड़ेगी, कोशिश हाँ करेंगे बिल्कुल, कि जल्द से नौकरी जल्द। नौकरी की तरह ही करना पड़ेगा। अभी तक जो केंद्र सरकार स्कूल चला रही थी, जैसे नवोदय हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, तो जैसी शिक्षा और जैसी व्यवस्था वहाँ थी, कुछ उसी तरह के यहाँ पर भी की जा रही है। ताकि जैसे नवोदय विद्यालय का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है कि वहाँ पर बच्चे जो अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चे कंपटीशन उनका होता है कि एडमिशन लेने के लिए, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता, हर बच्चा चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं, माता पिता, कि हमारा बच्चा नवोदय में पढ़ ले, होता है ना ऐसा, पूछते होंगे। हाँ सभी चाहते हैं नवोदय में सिलेक्शन हो जाए मेरे बच्चे का। तो आखिर क्यों उल्ट चाहते हैं? क्योंकि नवोदय में उस तरह की पढ़ाई हो रही है, वहाँ का ऐसा सिस्टम है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा नवोदय में पढ़ ले, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ ले। तो जो सिस्टम वहाँ है वैसा ही सिस्टम क्रमशः अब राजकीय स्कूलों में भी, जो राज्य के स्कूल हैं उन पर राज्य सरकारें अब तक ध्यान नहीं दी थी, पर जैसे तैसे आप जब से शिक्षामित रहे होंगे तब से अब तक में देख रहे होंगे कि योगी सरकार के आने के पहले का पूरा टाइम देख लीजिए, और अभी ये 5-6 साल का देख लीजिए, 5 साल का, तो इन 5 सालों में आपको काफी बदलाव दिखेगा, और पीछे के जितने भी साल आप रहे हैं नहीं देखेंगे बदला कुछ आप खास देखा है नहीं। सर, पहले स्कूलों में 5,000 रुपये आता था पढ़ाई का स्कूल के लिए। अब 5,000 में अब उसी वही पैसा 50,000 रुपये आ रहा है। पढ़ाई कराओ, मेंटेनेंस कराओ, सब काम अच्छी तरह से हो रहा है। 5,000 में वो तुम्हारे कल ही भी चूना उसके रगवा के कर दिया, सब हो गया। जितना पैसा उसी से होगा आजकल भाई, अब तक पैसा आया 5,000 रुपये योगी सरकार बनने के बाद, जो 5 सालों से पहले तक 5,000 आया है। तो 5,000 में 2,500-3,000 तो पुताई वाला ले जाता था। अब बताओ 2,500-3,000 रुपये बचे। 2,000 में रंग करा लोगे क्या तुम, उसे पुतवा दोगे तो वो जैसे ही फॉर्मेलिटी होती थी। अब स्कूल के लिए ग्रांट 50,000-50,000 रुपये आ रही है, तो 50,000 में काम जैसा हो जाएगा। 50,000 रुपये में आपने। कायाकल्प के अंतर्गत काम तो हुआ है सर, तो हुआ है, बदलाव तो आया है। तो अब जो है आप देख रहे हैं स्कूलों में क्रमशः थोड़े थोड़े स्कूलों में, चूंकि स्कूल की संख्या भी ज्यादा है, यूपी में 1.5 लाख से ज्यादा है प्राइमरी स्कूल, तो जब से योगी सरकार आई है तो हर साल 25-25 हज़ार स्कूलों में फर्नीचर दे रहे हैं। तो अब 25 हज़ार स्कूल में फर्नीचर बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, अभी तक तो फर्नीचर ही नहीं था। अब जो सही है बात क्रमशः करके, चूंकि इतने ज्यादा स्कूल हैं एक साथ संभव नहीं है, इसलिए हर वर्ष थोड़ा थोड़ा बजट
फर्नीचर पर किया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि रंगाई पुताई पर भी हर साल 50,000 रुपये आ रहे हैं। तो जैसे वहाँ पर होता है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, कि हर साल एक बजट स्कूल को मिलता है रंगाई पुताई के लिए, और हर महीने आता है कि बच्चों को पेंसिल वेंसिल देना है स्कूल में, ये और अन्य व्यवस्था जो चल रही है उसके लिए। तो ऐसे ही हर स्कूल का कायाकल्प के तहत बदलाव भी किया जा रहा है, और साथ ही कोशिश हो रहा है कि पूरा सिस्टम चेंज करके हर स्कूल को एक बजट फिक्स कर दिया जाए, और हर वर्ष उतना बजट मिलता रहे, ताकि मेंटेनेंस वगैरह और नई नई चीजें होती रहें। और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास भी बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट है ना? तो स्मार्ट क्लास जब बनेंगे, बनाया जा रहा है सब, उसमें सब व्यवस्था एक ही विद्यालय बोर्ड भी किया जा रहा है, विधायकों से कर दिया जाए विद्यालय बोर्ड जो शिक्षा व्यवस्था करी जाए। और सर शिक्षा की बात एक और है, शिक्षा मतलब इतनी कड़ाई शिक्षा व्यवस्था पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने 5 साल जो सरकार में की रहेगी, जो वैसे नाकारा शिक्षक शिक्षा मित्र कोई भी हो पढ़ाना नहीं चाहेगा तो वो अपने आप भाग जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सोच बिल्कुल समझ के बिल्कुल। डालना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार अखबारों में कहीं ना कहीं से न्यूज आती रहती है कि फला शिक्षक जो है फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी पाया था, उसको तो पकड़ करके उनको जेल हो रहा है और सैलरी वसूली की जा रही है, निकाला जा रहा है, ये सब हो रहा है। और उसके बाद सब पर कार्यवाही हो रही है, जो भी जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनके अनुसार नहीं चल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, चाहे कोई शिक्षा वो मित्र कोई हो, कोई चाहे वो पुराना हो या कोई नया ज्वाइन किया हो, सब पर कड़ाई की जा रही है। सबके लिए जो है नए नहीं, नए ये जो भी व्यवस्था मानक तो तय। ठीक है भाई, जो पैसा आपको दे रहे हैं पढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो आप उसमें टाइम दीजिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा बस यही है हमारा ना, थोड़ा सा व्यवस्था फिक्स हो जाता, चाहे कितना भी करे वो थोड़ा सा फिक्स कर दे, 12 महीने का मिलना करे तो हम भी थोड़ा कोई दिक्कत ना है, हमें भी हम पढ़ा रहे हैं देखिए, 18-20 साल से, हम भी कार्य कर रहे हैं। चलिए, आपकी बात से हम सहमत हैं कि आप लोग जो चाहते हैं कुछ न कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, और उम्मीद भी करते हैं कि गवर्नमेंट अभी वैसे शिक्षा मित्रों को कोर्ट ऑर्डर अनुवा निकाली नहीं है, और ऐसे अचानक से निकालेगी भी नहीं। जो भी व्यवस्था है सब बना रही है, प्री प्राइमरी में होना ही होना है। लेकिन जो संविदा है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे वित्त विहीन हो, केंद्रीय विद्यालय में भी संविदा पर रखे जाते हैं। हम भी संविदा पर पढ़ा चुके हैं केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में भी पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर भी होते हैं। तो जो संविदा होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि अभी नए टीचर रखे नहीं गए हैं, या कोई टीचर ट्रांसफर हो गया है, या कोई रिटायर हो गया है, या किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई अवकाश पर चला गया है लंबे समय के लिए। तो वहाँ पर अब शिक्षण कार्य तो रोकेंगे नहीं, पढ़ाई तो होगी ही होगी, तो टीचर चाहिए, तो किसी भी तरीके से वहाँ पढ़ाई हो, इसलिए संविदा पर रखे जाते हैं। नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि जो भी संविदा पर काम करता है फिर वो 11 महीने तक के लिए रहता है, 1 महीना उसको सैलरी नहीं मिलती है, फिर अगले वर्ष इंटरव्यू बुलाया जाता है, एक पैनल बनता है, तो जो पुराने संविदा पे लोग पढ़ा थे वो भी देते हैं, नए लोग जो देना चाहते हैं वो भी देते हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है फिर वो पढ़ाते हैं। नए लोग हो गए तो नए लोग पढ़ाएंगे, अगर कहीं पुराना वाला ही हो गया तो वो फिर से पढ़ाएगा। यही होता है सिस्टम संविदा का। लेकिन यूपी में यहाँ की सरकारें जो है कंटिन्यू सेम कैंडिडेट को हर वर्ष रखती चली गई हर जगह, तो जिससे हुआ क्या, चाहे शिक्षा में तो हो, चाहे निदेशक हो, चाहे वित्त विहीन हो, अब उन आप लोगों की थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई कि नहीं, अब हम तो पढ़ा ही रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए जो है अस्थाई करेगी। आप लोग मांग भी करते रहे, अखिलेश सरकार आई, उन्होंने नियम कानून को देखे बिना, सारी चीजों को अनदेखा करते हुए, बिना जो भी सिस्टम था वो केंद्र से बिना अप्रूवल लिए, बिना टेट वगैरह के, इलीगल तरीके से आप लोग को अस्थाई कर दी, जो कि कोर्ट में चैलेंज हो गया। तो संविदा जो होता है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रखा जाता है। बात अलग है कि यहाँ पर बजट न होने के कारण या जो भी पिछली सरकारों ने जैसे तैसे चलाया, लेकिन अब सब चेंज हो रहा है, संविदा हर हाल में खत्म हो रहा है। तो संविदा हमेशा ऐसे ही रही है, और संविदा अब खत्म हो रही है, और आगे भी अगर संविदा चलेगी भी तो थोड़े समय के लिए रहेगी। और संविदा कर्मियों को, अस्थायी जो शिक्षक होते हैं या अस्थायी कोई भी कर्मी होता है किसी विभाग में, सब कुछ एक समान नहीं मिलता है। संविदा होता ही इसीलिए है कि थोड़े समय के लिए काम चलाना है। हाँ, बस ये होता है कि एक तय मानक के अनुसार उनको पेमेंट किया जाता है। बाकी अगर कोई ये चाहे कि नहीं, हमको जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके बराबर हर चीज मिलने लगे, तो संविदा कर्मियों के लिए ये चीज नहीं होती। आए दिन अखबारों में कुछ न कुछ आता रहता है न्यूज, तो हम पढ़ते रहते हैं फेसबुक वगैरह पे, शिक्षा में संगठन में, अतिथि शिक्षकों के संगठन में, वित्तहीन के संगठन में, अनुदेशकों में,
वो लोग उस पर जो है अलग अलग तरीके से अपने विचार देते हैं। जैसे अभी वित्त विहीन का हुआ कि इनको जो है प्रैक्टिकल में कापी जांचने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इनको नहीं रखा जाएगा। तो उसमें गलत क्या है भाई? कोई भी इस तरह का कार्य ऑफिशियल जहाँ सिग्नेचर होना है, जिम्मेदारी वाली चीज है, वो परमानेंट कर्मचारी ही कर सकता है। हम भी रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाए हैं, वहां पर हर काम हम लोग से कराया जाता था। लेकिन जब कहीं पर सिग्नेचर वाली बात आ जाती थी कि एक परमानेंट कर्मचारी को सिग्नेचर करना है, तो बस वही करता था। हम लोग का सिग्नेचर मान्य नहीं था वहाँ, या उस तरह के काम हम, हाँ, उस तरह के काम हम लोगों से नहीं कराए जाते थे, क्योंकि हम लोग संविदा वाले थे। तो अब सिस्टम को समझे बिना इस चीज को लोग ले करके भड़काऊ पोस्ट वोस्ट लिखना करने लगते हैं। भाई पहले समझिए तो, क्यों नहीं आपको वहां पर अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि आप संविदा कर्मी हैं, और संविदा कर्मियों से ये काम नहीं कराया जा सकता, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। आज संविदा कर्मी पढ़ा रहा है, कल को छोड़ के चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परमानेंट नहीं, आप कर्मचारियों की बात जवाबदेही। सर आप सही कह रहे हैं। कुछ न कुछ इसमें पेच है, क्योंकि हमने हमारे संगठन द्वारा ये मांग की गई थी संगठन से, और हम लोगों का भी विचार था। हमको ये 10,000 दे रहे हैं, कम से कम 12 महीने का, 12 महीने का 10,000 मिल जाए। फिर भी 1 महीने हम बैठे रहते हैं, ना, और उसमें छुट्टी भी ये हमारी पोर्टल से होती है ना, पोर्टल एक से। मिनट जी एक मिनट एक मिनट, सर, कोई भी संविदा का पद, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे किसी अन्य विभाग का हो, अगर कोई कह रहा है कि हमको 12 महीने का पेमेंट दिया जाए, तो उसका यह मांग अनर्गल है, असंवैधानिक है, गलत है। 12 महीने का पेमेंट संविदा कर्मियों को कभी नहीं दिया जाएगा। 11 महीना 29 दिन हो सकता है, लेकिन 12 महीना नहीं हो सकता। पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं करा सकते, 365 दिन। और वो तो छुट्टी भी हमारे पोर्टल पे, जैसे एक एक छुट्टी हमको 1 महीने मिलती थी पहले, जब ये पोर्टल की व्यवस्था नहीं थी मानव संपदा वाला। तो अब उन्होंने, हमने मांग की कि पोर्टल बनाया, टीचरों को जो छुट्टी मिलती है 14 साल में, हमारी उन्होंने छुट्टी 11 छुट्टी की, 14 नहीं थी, मात्र 11 ही थी। लेकिन सुविधा ये दे दी कि पहले हम 1 महीने में एक नहीं लेते तो हमारी समाप्त हो जाती थी, लेनी लेनी है, नहीं लो तो तुम्हारी समाप्त है। अब ये सुविधा दे दी है, 11 छुट्टी आप 11 महीने में कैसे भी ले सकते हैं, 2 ले लो 3 ले लो महीने में, लेकिन 11 महीने में 11 छुट्टी आपकी चलेगी। इतनी व्यवस्था हुई है, ये नहीं हुई अगर 14 छुट्टी कर दी हो, 14 भी छुट्टी नहीं हुई, तो थोड़ा विचार हमारे मन में आ रहा था मैंने कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, कोई ना कोई पॉइंट वाली बात है। 14 छुट्टी देने में कोई साथ सरकार को अच्छा, वैसे एक चीज परेशानी नहीं थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें। देखिए, जी हमने सर, अभी बताया आपको कि हम भी जो है संविदा पर पढ़ा चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में। तो वहाँ क्या सिस्टम, आपको बता दें, वहाँ का सिस्टम ये है कि जो सार्वजनिक छुट्टियाँ होती हैं सबकी, सारे टीचरों की, वो सारी सार्वजनिक छुट्टियाँ आपको मिलेंगी। इसके बाद आप कोई भी छुट्टी लेते हैं, चाहे आधे दिन का लीजिए, चाहे एक दिन का लीजिए, चाहे 4 दिन का लीजिए, साल में एक भी छुट्टी आपको अलग से नहीं मिलेगी, उसका पेमेंट कटेगा। यानी कि जितने दिन आप नहीं जाएंगे, उस दिन का पेमेंट आपका नहीं बनेगा। वो काट नहीं रहे हैं, पेमेंट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बनेगा जो है वो आप लोग को सिस्टम समझना पड़ेगा। वो छुट्टी न काट नहीं काट रहे हैं, वो पेमेंट नहीं काट रहे हैं। जितने दिन आप जाएंगे, उतने दिन का पेमेंट आपको देते हैं। यहाँ डे वाइज पेमेंट काउंट होता है, इसको समझिए। संविदा में डे वाइज बना हुआ है। अगर आपको 11 दिन की छुट्टी साल में दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि राज्य सरकार इतनी आपको सहूलियत दे रही है। नहीं तो आप चले जाएंगे केंद्र सरकार के संविदा में, वहां पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपको जितनी छुट्टी लेना हो, जानकारी दे करके, अनुमति लेकर के, आप उतनी छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत सर। नहीं है। बस ये है कि आप जितने दिन आएंगे, उतने दिन का ही पेमेंट होगा। और आप बार बार छुट्टी लेंगे तो सीधा आपको अगले दिन टर्मिनेट करके घर भेज दिया जाएगा। जाइए भैया, आप घर ही बैठिए, आपकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ इतना दे रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। कम से कम इतनी छुट्टियां आप ले सकते हैं, इतना दिया जा रहा है। खैर, अब तो जो भी मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, थोड़े समय की बात है। अब संविदा खत्म होना है, तो अब आगे ये सारे सिस्टम भी खत्म हो जाएंगे। न संविदा कर्मी रहेंगे, न छुट्टियों की डिमांड करेंगे। अब जो भी संविदा के पद होंगे, या संविदा की जरूरत होगी, 2-4 महीने बस इतने ही, इससे ज्यादा साल 2 साल वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब हर वर्ष भर्तियां आया करेंगी, जो भी रिटायर होंगे, या फिर ट्रांसफर वगैरह हुए, या जो भी होगा, जिस भी कारण से पद खाली होंगे, वो पद जब तक रिक्त हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना,
तब तक के लिए संविदा पर लोग रखे जाएंगे, अन्यथा जल्दी से जल्दी वो पद भर दिए जाएंगे। आने वाले समय में ये भी सिस्टम पूरा तैयार हो रहा है और आप देख रहे हैं कि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन चुका है अभी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही वो काम करने लगेगा सब कुछ उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और जिस दिन उसे हैंड ओवर होगा पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी, सब कुछ चेंज होगा। एक एक दिन काउंट किया जाएगा कि कौन किस दिन आ रहा है, किस दिन नहीं आ रहा है, सर और सर एक बात संविदा। और मेरे पूछने की बोलिए, शिक्षा मित्र जैसे अब हमारे विद्यालय में हम चार शिक्षा मित्र हैं, वो चार इसलिए कि हमारा विद्यालय संविलियन हुआ है, कंपोजिट में मतलब तीन विद्यालय मिलकर एक विद्यालय बनाया गया है, वो प्राइमरी थे और एक जूनियर था, तो उस प्राइमरी में दो दो शिक्षा मित्र थे और दोनों अब मिल गए एक विद्यालय में, चार शिक्षा मित्र हुए और आठ का स्टाफ टीचरों का है, आठ टीचर चार शिक्षा मित्र 12 लोग हैं, एक प्यून है इस तरह से 13 लोग का स्टाफ। अब सर अब हमारे यहाँ जो छात्र संख्या है उसके अनुसार मान लो टीचरों की भी संख्या ज्यादा हो रही है, हम तो कह रहे अलग एक है, मिनट हमारी एक भी मिनट संख्या एक मिनट, आप जरा ये सारा चीज फिर से बताइएगा। तो पहले क्या था, कैसा था स्कूल आपका? मतलब एक ही प्रांगण में एक ही मतलब उसमें डिब्बा में ग्राउंड में तीन विद्यालय थे, एक जूनियर हाँ एक प्राइमरी कन्या के नाम से था, अब वो प्राइमरी सेकंड हो गया, और एक प्राइमरी फर्स्ट के नाम था, यानी दो प्राइमरी स्कूल थे, एक तुम्हारा तीन माध्यमिक विद्यालय जूनियर अच्छा, मतलब पास हो आपका सकता, आपका दो प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर स्कूल मिला करके कंबाइन कर दिया गया है। कंबाइंड कर दिया। अब उसमें अच्छा कंबाइंड करने के बाद अब सब बच्चे जो भी थे सब इकट्ठे कर दिए थे, ठीक हाँ है, एक से पांच तक की क्लास अलग बन गई और छह सात आठ बन गई। अब वो बच्चे उसके अनुसार मान लो छात्र संख्या हमारे यहाँ 200 के लगभग पहुंच गई, टोटल एक से लेके आठ तक, ठीक हाँ एक से लेकर आठ तक। है ठीक अब उसमें चार शिक्षा मित्र हो गए है। और आठ टीचर हो गए, आठ चार 12 लोग का स्टाफ हो गया। अब मान लो छात्र जो रेशियो है ना उस अनुसार तो उसमें से टीचर हुआ या शिक्षा मित्र कोई बाहर जाएगा, हटाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अच्छा मेरा कहने मतलब जैसे शिक्षा मित्रों को छात्र अनुपात में रखा गया है कि शिक्षा मित्र एक्स्ट्रा थे, अब तक तो एक्स्ट्रा चल रहे थे, शिक्षा मित्र को काउंट नहीं किया जाता था छात्र संख्या के बदलो, तो ट्रांसफर वगैरह किए जाते थे, अपॉइंटमेंट किया जाता था, शिक्षा मित्रों को उसमें शामिल नहीं किया जाता छात्र संख्या, तो हर विद्यालय में एक या दो एक्स्ट्रा रहते थे। अब आज की स्थिति में पता नहीं शिक्षा मित्रों को उसमें काउंट किया गया है, अगर काउंट किया जाता है तो हमारे यहाँ से तो कई टीचर बन यहाँ से जाएंगे एक मिनट छात्र एक संख्या मिनट बनता। एक मिनट, देखिए पहले क्या था, जो सिस्टम जो भी चल रहा था वो सिस्टम पूरी तरह से ही गलत चल रहा था। कभी भी छात्र और शिक्षक अनुपात पूरे विद्यालय पर नहीं गिना जाना चाहिए। कारण क्या है कि हर कक्षा में एक शिक्षक तो चाहिए चाहिए ना, जैसे आपने बताया एक से आठ तक की कक्षाएं हैं तो कुल आठ कक्षाएं हो गई, और आठों कक्षा दिन भर में चल रहा है तो हर कक्षा में एक शिक्षक रहेगा, तभी सारी क्लास इंगेज रहेंगे, सारे बच्चे पढ़ते रहेंगे हर वक्त जब तक स्कूल एक तो चलेगा। रहना चाहिए सर, तो हर हाल में आठ शिक्षक तो चाहिए ही चाहिए। और आपने बताया कि स्कूलों को मर्ज किया गया है, तो उसके पीछे छात्र संख्या रही होगी आसपास ही, जब एक ही प्रांगण में स्कूल है और छात्र संख्या कम है तो इसलिए मर्ज करके कम किया गया। ठीक है, तो अब जो है छः सात आठ की बात किया जाए तो छः सात आठ में कई विषय चलते हैं जबकि प्राइमरी में उतने विषय नहीं हैं, तो हर हाल में वहाँ पर शिक्षक चाहिए ही चाहिए हर विषय का, वहाँ चाहे जितने कक्षाएं चलती हों। और प्राइमरी का सेक्शन बात किया जाए यहाँ पर तो हर कक्षा में एक शिक्षक चाहिए ही चाहिए। तो अभी आप जो भी कंबाइन किया गया है उसके कारण 12 शिक्षक हो रहे हैं, लेकिन जब नया मानक लागू होगा, अभी नया मानक लागू नहीं हुआ है, नया मानक संभवतः इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में लागू होगा, तो नए मानक अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा अब। ठीक है, तो अब जी ये सर देखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं क्लास 1 है, अगर क्लास 1 में 30 से कम बच्चे हैं तो एक ही क्लास रहेगा, अगर 30 से ज्यादा बच्चे हो गए तो दो सेक्शन बन जाएगा, यानी कि जिस भी क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे जैसे ही होंगे वहां दो सेक्शन बनाया जाएगा, तो सेक्शन ज्यादा होंगे तो आपका चूंकि एक ही में मर्ज किया गया है इस कारण से वहां पर संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी जब नया सब कुछ मानक लागू होगा और सेक्शन बनाया जाएगा तो और टीचर की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी अभी कक्षा 1-2 जा रहा है, फिर
प्री प्राइमरी में, बिल्कुल ठीक है, और 3-4-5 प्राइमरी रहेगा, 6-7-8 जूनियर रहेगा। तो ये जो 3-4-5 प्राइमरी है, 6-7-8 जूनियर है, ये एक साथ चला करेंगे, और साथ ही कंप्यूटर शिक्षक और ये क्राफ्ट के शिक्षक, कला शिक्षक, योगा, खेल कूद के शिक्षक, इस तरह के भी शिक्षक हुआ करेंगे अब हमेशा। और ये जो HM वगैरह होते हैं, ये सिस्टम संभवतः खत्म हो जाएगी, और प्रिंसिपल मिलेंगे, हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और जो स्कूल चलेंगे वो LKG UKG 1-2 से लेकर के आपका कक्षा 8 तक एक साथ चलेगा, एक ही प्रांगण में। कंपोजिट स्कूल इसी आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। कंपोजिट हो गया हाँ, तो कंपोजिट स्कूल का मतलब हो गया कि प्ले रहेगा, फिर LKG UKG 1-2, फिर उसका 3-4-5 प्राइमरी वाले जो हैं, उसका 6-7-8, तो 8 तक की कक्षाएं एक ही प्रांगण में चलेंगी। तो अभी पूरा बदलाव नहीं किया गया है, कंपोजिट करके अभी जो आसपास हैं, या तो एक ही बाउंड्री में हैं, या फिर थोड़ी ही दूर में आमने सामने अगल बगल बिल्डिंग हैं, उनको मर्ज किया गया है। अभी बहुत बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल भी मिलेंगे, वहां पर लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरियन भी मिलेंगे, चपरासी भी रहेगा, पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो धीरे धीरे हो रहा है, और आप क्या जो कह रहे हैं एक्स्ट्रा हो गए हैं, एक्स्ट्रा नहीं हुए हैं। अभी जो आंकड़े हैं शिक्षक और छात्र के, जब मीटिंग होती है तो पूरे यूपी का एक साथ लिया जाता है कि पूरे यूपी में इतने स्कूल हैं, कुल इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कुल इतने शिक्षक हैं, तो पूरे स्कूल का लिया जा रहा है, या फिर एक स्कूल का लिया जा रहा है। जबकि ये न पूरे यूपी का लेना है, न एक स्कूल का लेना है, लेना कैसे है, क्लास वाइज लेना है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उसके आधार पर मानक तय होगा। तो अभी चेंज होना बाकी है। अभी जो भी आंकड़े आते हैं ये सब पुराने मानक के अनुसार हैं, नए मानक अभी लागू नहीं हुए हैं। तो पुराना जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है अभी, वो सब चेंज होगा। और जो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो जब नया मानक लागू होगा उसके अनुसार एक्स्ट्रा नहीं होंगे। और इत्तेफाक से अगर कोई होता भी है एक्स्ट्रा, तो वो जो है टीचर परमानेंट वाला जो भी होगा, यहाँ से वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी, और कोई दिक्कत नहीं होगा, रहेंगे सभी लोग, ठीक है। ठीक है सर। बस सिस्टम क्या कर रहा है उसको देखते रहिए, वहाँ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या मानक लागू किए जा रहे हैं, क्या आपको दिया जा रहा है, वो लेते रहिए। बदलाव तो हो रहा है सर, बहुत बदलाव हो रहा है, पर ये थोड़ा सा ये तो बच्चा सुधर जाए, कुछ हमारे लोगों की थोड़ी सी टाइम वगैरह कुछ पैसा भी कुछ कितना भी पैसा दें, लेकिन टाइम आप हो जाए। अपने आप लोग अपने मन से एक चीज एकदम निकाल दीजिए कि मानदेय वृद्धि होने वाला बहुत कम चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि संविदा मानदेय नहीं खत्म। लग रहा था, तो हाँ मानदेय वृद्धि होती तो हो जाती है, अब जिले की साथ हो जाती है, आंगनबाड़ी हो जाती है, तकनीकी हमारी हो जाती है। देखिए, मानदेय वृद्धि की बात आप कर रहे हैं तो तुलनात्मक रूप से देखिए, एक तरफ अनुदेशक भी पढ़ा रहे हैं, वो 6-7-8 में पढ़ा रहे हैं, ऊपर की जी क्लास जी में, जी तो उनको मिल रहा है वही 7-8 हजार के आसपास, और शिक्षा नौ हो मित्र, गया है, सॉरी अच्छा 9 हो गया बढ़ा नौ हो करके, गया, तो 2,000 बढ़ा दिया, आज भी उनका बढ़ने के बाद शिक्षा मित्र से तो लेकिन कम ही कम है, है। कम है, और तो आप योग्यता सब, उनसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, योग्यता के मामले में देखा जाए तो। हाँ तो देखिए, एक तो हो गया परमानेंट शिक्षक, एक हो गया संविदा शिक्षक। पहले तो संविदा का परमानेंट वालों से तुलना, या परमानेंट वालों का संविदा वालों से तुलना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तुलना कर ही नहीं सकते। आप किसी का हाथ लीजिए, किसी का ना पैर लीजिए और कहिए कि भैया ना तुलना कीजिए, ये संभव नहीं है। अगर आपको तुलना करना है, आप अपना हाथ ले रहे हैं तो सामने वाले का भी हाथ ही लेना पड़ेगा, अपना पैर ले रहे हैं तो सामने वाले का भी पैर लेना पड़ेगा, यानी कि इक्वल चीज का तुलना किया जाता है। तो अब आते हैं संविदा कर्मियों में। संविदा कर्मी में अनुदेशक हैं, संविदा कर्मी में वित्तविहीन है, संविदा कर्मी में शिक्षा मित्र हैं। किसकी क्या योग्यता है, कौन सा पद है, उसके आधार पर देखा जाए तो अनुदेशक को बढ़ने के बाद भी आपसे कम ही मिल रहा है। तो ये मान के चलिए सर, कि जब उनको नहीं आपसे ज्यादा दे रहे हैं तो आपको 10 मिल रहा है, तो इससे ऊपर की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। और संविदा वैसे भी खत्म होना है, ठीक है। तो मानदेय बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। आप मांग करना चाहे मांग करते रहिए, धरना करते रहिए, लेकिन संभावना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सर हम देखता है उत्तराखंड सरकार ने अभी शिक्षा मित्रों का जैसे 15 मिल रहा था उनको, 20 कर20,000 दिया। दिया है अभी। हाँ, अच्छा, और वहाँ टेट पास है उनको, सबको टीचर बना दिया है, तो वहाँ एक भी मिनट, बीजेपी वहां सरकार है सर। एक मिनट एक मिनट, उत्तराखंड एक समय था यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, यूपी से अलग हुआ है, ठीक है।
तो जो सिस्टम यहाँ चल रहा था सेम वही सिस्टम वहां भी चलता रहा होगा पहले जब एक साथ था, क्योंकि इसी का हिस्सा था, फिर अलग हुआ, तो अलग होने के बाद भी अचानक से तो सब चेंज नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ होगा। तो पहली बात तो उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों की संख्या जब भी आप पढ़ेंगे कि अखबार में जो आंकड़े कम आते हैं कि परमानेंट किए गए या मानदेय बढ़ाया गया तो कितने लोगों को बढ़ाया गया, तो वहाँ 150, 200, 500, 600 ऐसे हाँ आंकड़े बस आते हैं, इससे ज्यादा अभी के जो आंकड़े। लाभ मिला है वो 600 लोगों को मिला है 5,000 बढ़ाने का। तो अब बताइए 5,000 रुपये 600 लोगों को देना बढ़ा करके, और 5,000 रुपये मान लीजिए यूपी में बढ़ाया जाए, तो यहाँ तो 1,50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको जो है किसी को 1,00,000 रुपये देना है, तो आप कहेंगे बाप रे 1,00,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी को 1 रुपया आपको सिर्फ देना है, तो 1 रुपया आप कहेंगे कुछ ज्यादा नहीं, हम आराम से दे लेंगे। तो सारे शिक्षा में तो मिलकर अगर 1-1 रुपया देंगे, तो उस व्यक्ति को तो 1 ही लाख रुपए चाहिए था, लेकिन यहाँ 1,50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र हैं, एक एक रुपए भी देंगे तो 1,50,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो किसी को किसी के ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ा, और उसको जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया। तो छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट ये निर्भर करता है कि जो संख्या है वो कितनी है, उसके आधार पर असर पड़ता है ना। अब यूपी गवर्नमेंट बजट के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि इतने ज्यादा संख्या में लोगों को कैसे दे पाएगी कि नहीं। तो हमें तो नहीं लगता है कि 10,000 दे रही है और मानदेय बढ़ेगा, कहीं से नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है। और अस्थायी करने की बात वहां पर, तो अस्थायी तो यहाँ भी होंगे लेकिन रास्ता थोड़ा दूसरा है, वहां की बात अलग है। वहां पर इस तरह का मुद्दा जैसा यूपी में हुआ था कि परमानेंट कर दिए गए फिर कोर्ट कचहरी हुआ, इस तरह का मुद्दा वहां नहीं था। वहां पर जो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप टीटी पास कीजिए, उन लोगों ने टेट पास किया, गवर्नमेंट के अनुसार चलते गए, गवर्नमेंट उनको क्रमशः नियुक्ति देती गई। लेकिन यूपी के शिक्षा में तो बहुत ज्यादा चालाक थे, उन्होंने मांग कर लिया भैया हम बिना टीटी के ही हमको कर दीजिए, बिना नियम कानून के कर दीजिए, और एक बेवकूफ सरकार ने कर भी दिया। उसका नत... उन्होंने और उसका नतीजा ये हुआ कि सालों कोर्ट कचहरी चला। तो जब आप अपने यहाँ खुद ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं, फिर कैसे तुलना करेंगे उत्तराखंड से या किसी और राज्य से। वहां पर तो जो समायोजन हुआ था सर, तो उसमें जो पेट सचिव थे उन्होंने कहा था उसमें टेट पास टेट वाला लगाइए, नहीं तो कोर्ट में फंस जाएगा मुद्दा। वहां पर भी मायावती के वो सबसे गए थे, उनको बुलाया था तो उन्होंने यही कहा था कि उसमें टेट को टेट रखिए, टेट पास को लगाइए, बिना टेट कर अब देगा बहुत मुद्दा बहुत फंसेगा। बहुत ही लेकिन आसान हमारे था। संगठन के लोग थे जितेंद्र शाही, उन्होंने कहा कि मैं गोमती नदी में कूद के मर जाऊंगा, गोमती धरना थे हाँ जितेंद्र जी किनारे, कि हमें तो बिना टेट मध्यापक बनना है, वो मरवा गए बिना टेट के बना लिया तो उन्होंने। आपके संगठन के जो नेता लोग थे उनकी कहानी ऐसी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो खुद तो डूबे ही और वही साथ साथ सबको वो की। क्या और डूबे सर, वो उन्होंने के पास बहुत पैसा है, उन्हें क्या चिंता है, हाँ ये भी उन्होंने बात है। अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, अगर केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कोई मामला में ये 1,000 रुपया नहीं दिया हो तो उनको 30,000 35,000 हाँ मिलता था शिक्षा में, तो ले जाओ दो हजार जितने रुपये नेता हैं वो तो खुद करोड़पति बन गए। अभी क्या नाम था, राजू दास, अभी तो हाल ही में उन्होंने जो बिल्कुल। करोड़ों रुपए लूट किया। तो जो भी नेता आता है वो अपना भला खाली देखता है, लूट करता है, नेतागिरी करता है, चला जाता है। अभी खैर कोई भी केस डाल रहे हैं, अभी भी केस डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बता कुछ होना नहीं है, वहां से कोर्ट सब हार गए, खारिज कर दी सब अपील, फिर भी डाल रहे हैं, नहीं 100 200 500 तो देगा कोई शिक्षा में। अभी हम और आप चर्चा कर रहे हैं यूपी और उत्तराखंड, दो मॉडल हैं सामने। एक राज्य ऐसा है जहां पर शिक्षा मित्र ने कोर्ट कचहरी फलाना ढिकाना किया और कहां पर खड़े हैं आज देख लें, और एक उत्तराखंड है वहां की सरकार ने जो कहा वहां के शिक्षा मित्र वो करते गए और वहां देखिए क्या परिणाम मिला। तो अब तो अक्ल आ जानी चाहिए ना, शिक्षा मित्र हो चाहे कोई संगठन हो, कि गवर्नमेंट से नौकरी लेनी है और गवर्नमेंट के खिलाफ हम चलकर कहां से कुछ करा पाएंगे। हम यही चीज बार बार समझाते हैं, उत्तराखंड एक मॉडल है वो देख लीजिए कि उत्तराखंड सरकार जो कह रही है वहां के शिक्षा मित्र वो किए और उसका परिणाम उनको मिला कि परमानेंट होते चले गए। और एक यूपी का मॉडल है, यहाँ के शिक्षा मित्र या अन्य संगठन जो भी हैं इतने अकलमंद हैं कि कुछ भी गवर्नमेंट करने चलती है तो उसी के खिलाफ चले जाते हैं तुरंत कोर्ट। नौकरी लेना गवर्नमेंट से है और गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट जा रहे हो, तो गवर्नमेंट भी जाओ भैया तुम केस ही लड़ लो, फिर जब जीत जाना तो फिर हम सुनेंगे तुम्हारा। और ये सरकार नहीं सुनने, ये तो अपना मतलब जिया गए, तुम कुछ भी करो उन्हें करना है, अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं, आंगनबाड़ी का पैसा उन्होंने बढ़ाया,
बताओ, शासन आदेश आज कल दिया है उन्होंने, अगर वो चाहते हैं हमें और लाभ भी आ सकते हैं, हमें लाभ लेना है, हम पहले भी कर सकते थे 2 दिन पहले शासन आदेश। अब देखिए अभी चुनाव था, अपने हिसाब से किया। हाँ चुनाव था, चुनाव में इन्होंने ये जो कर्मचारी हैं सरकारी, इनको चुनाव का वोट बैंक नहीं बनाया, नई भर्ती का कोई घोषणा नहीं किया, नई भर्ती को वोट का आधार नहीं बनाया, न ही किसी को कोई प्रलोभन दिया कि हम चुनाव जीत करके आएंगे तो ये चीज करेंगे, इसको भी चुनाव का कहीं वोट का आधार नहीं बनाया। तो सही तरीके पर तो ये चल रहे हैं ना, बाकी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय बड़े बड़े प्रलोभन देती हैं, चुनाव को देखते हुए कुछ न कुछ कर देती हैं। अब बाकी ने तो अभी भी दिया था, सबको संविदा कर्मी सब स्थाई करेंगे, जैसे 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 एक एक चरण चुनाव होते जा रहे, हाँ जैसे जैसे एक एक चुनाव होते जा रहे थे एक एक चरण के, उनको लग रहा था कि नहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो कभी किसी भाषण में शिक्षा मित्र को, कभी किसी भाषण में बीएड वालों को, कभी अनुदेशक को, सबको प्रलोभन दिए जा रहे थे, लेकिन तब भी नहीं जीत पाए। तो प्रलोभन देने से नहीं होता, एक सिस्टम अच्छा चलाने से। आज शिक्षा मित्र चाहते हैं कि 40,000 मिल जाए, क्यों, ये मन में किसने भरा उनके, यही शिक्षा मित्र अगर इनके दिमाग में भरा गया होता कि भैया जैसे उत्तराखंड में टीटी पास करने वाला स्थायी हो रहा है, हम आपको भी कर देंगे, तो हर शिक्षा मित्र जी जान लगा करके 2014 में जो समायोजन हुआ था उसी वक्त टीटी पास करने के लिए लग जाता भाई। 2016 में, 2017 में, 2018 में, 19 में, 20 में शिक्षा मित्र टेट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जब अभी कर ले रहा है तो वही शिक्षा मित्र 2014 में नहीं कर पाता, तब उसी समय करने की कोशिश करता, कह देते कि भैया आप टेट पास करके आओ, हम परमानेंट कर देंगे, तो वो सिस्टम ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने दिमाग में क्या डाल दिया, गलत चीजें डाल दी, इलीगल तरीके से कर दिया, और आज शिक्षा मित्र भी परेशान है, समायोजन भी रद्द हो गया। तो सबसे मुख्य है कि किसके दिमाग में क्या डाला जा रहा है, कुछ चीजें गलत डाली जाती हैं, कुछ सही डाली जाती हैं, हमें समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोगों को गुमराह करके कहा जाता है भैया ऐसा ऐसा करोगे, बम लगाकर शरीर में बांध लोगे, वो जाकर वहां फोड़ दोगे तो तुमको जो है ऊपर जाने पर ऐसा ऐसा मिलेगा। कुछ लोग उनकी बातों में आकर अपने शरीर में बम बांध लेते हैं, चले जाते हैं, बम फोड़ देते हैं, तो क्या वो सही करते हैं, गलत कर रहे हैं, उनके दिमाग में गलत चीजें भर दी गई। तो बस यही है कि सही क्या है गलत क्या है इसको समझेंगे लोग जब, तो नहीं तो ऐसे कोर्ट कचहरी करते रहेंगे तो ऐसे उलझा रहेगा। और ये सरकार जानती है कि ये लोग अपना भला नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि तरह तरह के संगठन हैं और गुमराह कर दिए गए हैं। जैसे एक घर में आप ही का घर है, आपके बच्चे होंगे, अब बच्चों आपके अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, हर बच्चा कुछ न कुछ डेली डिमांड करता होगा, हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, तो उनके अनुसार तो आप नहीं चलते होंगे, आप तय करेंगे ना कि हमें आज घर में क्या लाना है, कल क्या व्यवस्था बनानी है, कहाँ इनको पढ़ाना है, किस तरह की व्यवस्था देनी है। तो गार्जियन आप हैं, ऐसे ही मुखिया को ऐसा ही होना चाहिए। तो वही अभी चल रहा है, अभी जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है, भले लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा हो, खराब लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है, सबके अनुसार प्रदेश चलाना होगा तो नहीं चलेगा, जो वो तय करेंगे उसके अनुसार लोग चलेंगे तो चलेगा। तो अभी तो सब सही चल रहा है। तो सर फिर भी ये प्री प्राइमरी वाला जो है भर्ती कब तक उम्मीद है आपके अनुसार? देखिए अभी आप लोग अभी आप लोग का पूरे प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्र हैं और शिक्षक हैं, उन लोग की 4 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो मेरी जानकारी अनुसार ये ट्रेनिंग पूरी कराने हमारे ब्लॉक में तो नहीं हुई सर। तो अभी कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं, तो जहाँ नहीं हुए हैं हो सकता है कि ये जो गर्मी छुट्टियां हैं उनमें होने की बात चल रही है, तो उनमें कराया जाएगा, या फिर हो सकता है जुलाई अगस्त में कराया जाए। तो ये ट्रेनिंग पूरी करा लेने के बाद हुआ था वो सर, वो दिसंबर में छुट्टी हुई थी ना 15 दिन 30 दिन जनवरी में, तो उसमें करा रहे थे, तो वहाँ पे यहाँ पे विरोध कर दिया शिक्षकों ने, छुट्टियों में नहीं हमें भाई हमारी छुट्टी मारी जाएगी, इसमें नहीं करना है, तो फिर वो कैंसिल हो गई, अभी तक हुई नहीं। अब ये बताइए, जब अगर उन गवर्नमेंट का प्लान होगा कि ये ट्रेनिंग करा लेने के बाद ये काम हम करेंगे, और आप खुद ही कह देंगे हम अभी ये नहीं करेंगे, तो आपका जो परमानेंट होने के जो चांसेज हैं, अब जल्दी होगा या देर होगा? देर तो हो रहा, वही तो हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो काम उन्होंने तय किया है, अब आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं, तो आप खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। जितनी जल्दी वो जो सिस्टम बनाए, जितनी जल्दी जल्दी काम आगे बढ़ेगा, तो तेजी से काम करेंगे।
यही तो मूर्खता है लोगों की कि कोई नेता कह दिया या एक व्यक्ति कह दिया, भाई क्या दिक्कत है, आप घर में बैठोगे क्या उखाड़ लोगे, अरे 4 दिन जाकर ट्रेनिंग कर लेते। चार दिन में क्या कर लेंगे बताओ, 4-5 दिन पहने में। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सैलरी मिल रही है, अगर हमारे लिए कुछ किया जा रहा है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। आप बताइए, आपका घर अगर कहा जाए छुट्टियों से चलाइए और कहा जाए सैलरी से चलाइए, किससे चलेगा? तनख्वाह सैलरी चलेगा, सैलरी सैलरी बिल्कुल चलेगा। छुट्टियों से अगर चल रहा होता तो फिर घर में सब बैठता, छुट्टियों से चलने वाला नहीं है। तो मूर्खता है ये सब कि घर में बैठ के हम आराम करना चाह रहे हैं इसलिए हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। खैर, तो ये जो ट्रेनिंग है 4 दिवसीय, ये इसमें प्री प्राइमरी से रिलेटेड चीज़ें कराई जा रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी होनी हैं। तो ये सब होने के बाद प्री प्राइमरी, अभी एडमिशन भी शुरू हो गया है, आप पढ़ रहे होंगे, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया जा रहा, देख भी रहे होंगे, तो एडमिशन वगैरह चल रहा है। ये सब होने के बाद उम्मीद है कि मान चलिए कि जुलाई अगस्त या उसके आसपास इस तरह का न्यूज़ सुनने में मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, प्री प्राइमरी संबंधित वहाँ क्या क्या होना है। तो पहले वो होगा, उसके बाद प्राइमरी वाला भी शुरू होगा। और अभी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की मीटिंग लेकर के सभी राज्यों से कहा है, अपने यहाँ सारे आंकड़े जुटा ले हैं कि कुल कितने स्कूल हैं, कौन कौन सी कक्षाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं, कितने छात्र हैं, और जो नया एडमिशन हो रहा है इसके बाद के आंकड़े सारे देने हैं वहाँ पर, सारे आंकड़े जुटा करके रिक्त पदों की गणना करके केंद्र सरकार को देना है, ताकि केंद्र सरकार बजट फाइनल कर सके। तो इसी अनुसार आगे सब कुछ होना है, अभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, हमने लेटर भी शेयर किया था, हर राज्य जो है वो आंकड़े जुटाने में लग गया है, सभी राज्य। ठीक है, तो सरकारी काम है, वो क्या कर रहे हैं बस ये देखते रहिए, करना उन्हीं को है, स्पीड उन्हीं की रहेगी, हमारे आपके किसी के चाहने से जल्दी कुछ नहीं होने वाला। तो फिर सरकार जैसे करता रहेगी उसी हिसाब से हाँ, मतलब चलाने। अब तो बस शुरू, उन्हें करना होता, मान लो उनको होता है कि मैं इससे वोट बैंक वोट लेना है, इनसे वो करना है, तो उनको जल्दी करते नहीं रहेंगे, ऐसा, कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से चलना है उन्हें, कोई मतलब वो नहीं। अपना सिस्टम लेके चल रहे हैं, बस जैसा आप ही हैं, आप अगर घर बनाएंगे तो 10 मजदूर अगर रखेंगे, 10 लोग को रोजगार मिलेगा। अब अगर आपके आसपास मोहल्ले में मजदूर हों, वो सोच रहे हो कि भैया जल्दी से काम लगवाएं तो हम लोग काम करें, अब वो आपके सहारे बैठ जाएं और कहीं और ना जाएं काम करने, और आप तो अपना घर तब बनवाएंगे ना जब आप प्लान करेंगे, जब आपके पास पैसा होगा, आप हो सकता है इस साल बनाए, हो सकता है 2-4 साल बाद बनाए, तो 2-4 साल बाद अगर बनाएंगे तो अगर वो लोग 2-4 साल आपके इंतजार में बैठेंगे तो वो 10 लोग मूर्ख हैं या अकलमंद हैं? मूर्ख कहे जाएंगे भाई। ठीक है, आपने कभी उनके साथ बैठकर चर्चा किया कि हमें घर बनाना है, वो जानकारी हो गई उनको, अच्छी बात है, लेकिन उनकी लाइफ आज के टाइम में जहाँ जो काम मिले उसके अनुसार काम करते हुए चलते रहना, फिर आप भी कभी अपना घर बनाएंगे जब, तो आपके यहाँ भी काम कर लेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कब क्या करेगी वो बीच बीच में चर्चा करती रहती है, जानकारी देती रहती है, उसको पढ़ना जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके सहारे बैठना ये उचित नहीं है। तो फिर से वहीं आ जाते हैं शुरू वाला, कि जो भी मिल रहा है वो लेते रहिए, जो हो रहा है वो देखते रहिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए स्वयं प्रयास करते रहिए, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, और अपना ज्ञान भी साथ ही बढ़ाते रहिए, कंप्यूटर सीखना या अन्य जो भी आपको समझ में आ रहा है करते रहिए। ठीक है, ठीक चलिए तो फिर रखते है, बहुत हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज बात हुई आपसे। कई बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, फोन नहीं लगता था आपका, तो एक्चुअली हम भी थोड़ा धन्यवाद बिजी सर। रहते हैं, और एक दिन में एक दो लोग से ज़्यादा बात नहीं संभव है ना, और बात भी हम करते हैं तो आप देखते होंगे कि लंबी बातें होती हैं, जी जी क्योंकि बिल्कुल एक दो मिनट में कोई चीज़ आप कहिए और हम बस सीधा बोल दें हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो नहीं, कोई चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में जब चर्चा करना, तो और चर्चा लंबी होती है, तो अब फोन हम ऐसे उठाते नहीं है कि नहीं बस उठाया और कुछ भी कह कर रख दिया। आप ही से बात करते देखिए कितना समय हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हाँ सर, होगा तो जब भी बात होती है करीब तो एक 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 पॉइंट पर मिनट हो डिस्कशन मिनट होता हो है, गया, 1 घंटा होने जा रहा है करीब। बिल्कुल बिल्कुल तो एक एक पॉइंट पर जब चर्चा होने लगती है, क्योंकि तरह तरह के लोग भी हैं ना, कि कुछ लोग हैं उन्हें समझाने पर समझ में आता है, कुछ लोग हैं नहीं बस अपना ही रोना सिर्फ रोते रहते हैं, अपनी ही बातें कहते रहते हैं, हाय ये हाय वो, ये सरकार ऐसी है वैसी है, हमारी ये वैसा हो गया वैसा हो गया, मेरे यहाँ ऐसा है, खाली रोना। भाई रोने से कुछ नहीं होगा, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं आप अगर समझना चाह रहे हैं तो वो हम समझा सकते हैं बस, और इससे ज़्यादा हमारे हाथ में है भी नहीं कुछ। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।